गुड इवनिंग फ्रेंड, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं UPSI, UPSSSC, RRB, NTPC एंड CGL, CPO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें फुल टाइप कवर करवाएंगे। आज इसका पहला लेसन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिया गया है, इसमें जीरो से मतलब बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाऊंगा मैं आपको। ए किसी कार को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, एक साथ मिलकर बे कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ए एक कार को 12, बी एक कार को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम 16 * 48 हो जाएगा। अब इसका भाग दो तो 12 * 48, 16 * 48 ये आ गया टाइम का रेशियो, ये एफिशिएंसी आ गया। तो ये दोनों पूछे हैं, 4 दिन कितना, 7 होता है। एक साथ मिलकर कितने दिन में कार समाप्त करेंगे, तो पूरा कार है 48 और 7 किया मिलके तो कितना हो जाएगा, 7 * 42 और बच्ची 6/7, ये आ जाएगा आंसर इसका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आता है, ए किसी कार को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है, बी एक साथ मिलकर कार को कितने दिन में करेंगे। ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अभी इस जिस सबका घंटे ले लिए, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमेशा जो बड़ी संख्या हो उससे ले, तो इसका एलसीएम 120 होगा। तो 15 * 8 = 120 होते हैं, 12 * 8 = 120 होते हैं और इन पर 15 * 8 = 120 आ जाएंगे। तो वे साथ मिलकर कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसे सबको जोड़ लेते हैं। 8 * 5 = 13, 2 * 1 = 3, तो 33 हो गया। तो 120 पूरा कार बटे 33, तो इसको काट लो, 3 * 1 = 3, 3 * 1 = 3 और 3 * 4 = 12, 40/11, 40/11 को काटो, 11 * 3 = 33, 11 * 3 = 33 बची 7/11, तो इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक जाएंगे और हर प्रकार का क्वेश्चन आपको कराएंगे इस पर। जैसे तीसरा क्वेश्चन आता है, ए तथा बी किसी कार को एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी कार को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए 15 दिनों में कर सकते हैं, समाप्त करते हैं, प्रत्येक अकेला कितने दिन में कार समाप्त करेगा। प्रत्येक अकेला पूछेगा, क्वेश्चन को पढ़ना जरूर। ए बी 10 दिनों में, बी सी 12 दिनों में, सी ए 15 दिनों में। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम 120 हो जाएगा। तो 10 में जब 12 इसी भाग दें तो 12 * 12 = 15 * 8 = 120, तो इसको जोड़ देते हैं, तो 12 * 8 = 20 + 10 = 30, तो ये 30 हो गया। अब इसमें दो लोगों का है, ये दो तो कॉमन है ना, ए बी बी सी सी, तो इसमें दो लोग, तो कर लेते हैं 2 + a + b + c बराबर, तो इसका ए बी और सी बराबर आ जाएगा 15। जब ए सी बी 15 आ जाएगा तो सबसे पहले अब इसमें निकाल लेते हैं, ए बी सी बराबर 15, इसमें से ए बी घटा दो, ए बी कितना 12, तो सी बराबर कितना बचा 3,
और ए बी सी 15, इसमें से बी सी घटा दो 10, तो ए बराबर बचा 5। ए बी सी 15, इसमें से सी ए घटा दो 8, तो बी बचेगा, बी कितना बचेगा 7, ये सब बच गए। अब इसका प्रत्येक दिन की क्षमता पूछिए, तो ए बराबर क्षमता निकालो तो टोटल कितना है 120, तो ए कितना है 5, तो 24 बचे 120, तो पहला 24। अब बी की निकालो इस प्रकार से, तो बी कितना है 7, टोटल कितना है 120, भाग दे दो इसमें 7 दूनी 14 ज़्यादा 7 एकम 7, बची 5, 7 49, 49 प्लस 1 बटे 7, ये दूसरा। इसी प्रकार से सी का निकाल लो, तो सी का कितना है 3 है और टोटल 120 है, तो 3 चौको 140, ये आ जाएगा सबका अलग अलग 40 40 दिन, ये आ जाएगा सबका। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हमने ध्यान नहीं दिया, समझ लेना आप लोग, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये चौथा करते हैं हम। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है, एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए कार्य को करता है 24 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 120, 24 पंचे 120 और 23 चौको 120, तो ये 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद छोड़ता है ए कार्य, तो 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो ये दोनों साथ में करे होंगे, तो ये कितना 9 किया, 2 दिन तक जब किया तो इसने 18 किया, जब 18 किया तो 120 कार था, 120 कार था, 120 में से कार 18 चला गया, कितना बचा 102 बचा, 102 बचा। अब 102 जो बचा है तो ए कार छोड़ देता है, शेष कार कौन करेगा, बी करेगा, तो बी कितना है 4, तो 4 तो ये 51 बटे 2 आ जाएगा, अगर इसे काट दो तो आ जाएगा 25 सही 1/2%, ये आंसर आ जाएगा। अब आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन आंसर आ रहा, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ये इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लो। ए किसी कार को 14 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बे सात कार करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए कार छोड़कर चला जाता है तथा अब शेष कार कुल 10 दिन में समाप्त होता है, तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, इसमें कितने दिन बाद छोड़कर गया ये निकालना है। तो ए कार कितने दिन में करता है, ए किसी कार को 14 दिन में करता है, बी उसी कार को 20 दिनों में करता है, तो इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 140। हमेशा एलसीएम बड़ी वाली संख्या से ले, 14 दाम 140, 20 सत्ते 140। अच्छा, बे सात कार करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद ए कार छोड़कर चला जाता है, तो कुछ दिन बाद जब ए कार छोड़कर जा रहा है तो मतलब बी करता रहे होगा, अब शेष कार कुल 10 दिन में समाप्त होता है, तो ए छोड़कर जा रहा है तो ये जो शेष कार है 10 दिन तक चलता है, तो 10 दिन तक इसने किया होगा, तो ये कितना हो गया, ये 70 हो गया, जब ये 70 हो गया तो ये 70 हो गया, ऐसे बचा कितना, 70 ही बचा, जब 70 ही बचा तो ये कौन करेगा, ये ए करेगा, जब ये ए करेगा तो 70/10, तो 10 सत्तर 70, मतलब 7 दिन
बात कार छोड़कर गया। ये कितने दिन बाद गया? 7 दिन बाद कार छोड़कर।